नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन, और सियासी गलियारे में लगातार हम आपको अपडेट कराते हैं कि आखिर पॉलिटिकल हलचल किस तरीके से हरियाणा में आगे बढ़ रही है। हरियाणा की राजनीति का असर क्या केंद्र पर भी देखने को मिल रहा है? क्या दिल्ली में भी हरियाणा में उठी सियासी आग की तपिश महसूस की जा रही है? इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम आते हैं आपके सामने, और अगले आधे घंटे तक हम एक बार फिर से आपको बताएंगे कि प्रदेश में पॉलिटिकल अपडेट्स क्या है, किस तरीके से बयानबाजी है, किस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां हैं। तो अगले आधे घंटे तक रहिए हमारे साथ और देखिए सियासी गलियारा। सियासी गलियारे में सबसे पहले आपको जींद लिए चलेंगे, जहां पर किसानों की तरफ से महापंचायत हुई, और इस महापंचायत में सरकार के सामने 5 प्रस्ताव भी किसानों की तरफ से रखे गए हैं। इन 5 प्रस्ताव का सरकार तक पहुंचना और सरकार का क्या रिप्लाई आता है, ये तमाम बातें अलग है, लेकिन ये 5 वही प्रस्ताव हैं जो लगातार किसानों की तरफ से जिनकी मांगे की जाती रही हैं। ऐसे में इन मांगों को एक बार फिर से दोहराया गया है, लेकिन जो सबसे खास बात थी वो ये कि यहाँ पर एक जनसैलाब देखने को मिला और किसानों की जो संख्या थी वो कम से कम इतनी जरूर थी कि सरकार की पेशानी पर बल ला दे। जो लड़ाई लड़ते हैं अनुशासन में लड़ते हैं। ये भीड़ नहीं है, ये किसान है जो जींद के कंडेला गांव आए हैं, अपनी हुंकार भरने आए हैं, सरकार को बताने आए हैं कि कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। जनसभा शुरू हुई तो लोगों का उमड़ना शुरू हो गया। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चडूनी, टेक राम कंडेला समेत तमाम लोग इस महापंचायत में पहुंचे तो मंच से टेक राम कंडेला ने 5 प्रस्ताव भी किसानों के सामने रखे। 5 प्रस्ताव। सबसे पहला प्रस्ताव है तीनों कानून रद्द किए जाए। दूसरा प्रस्ताव है MSP पर कानूनी जमा बनाया जाए। तीसरा प्रस्ताव है स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए, क्योंकि किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है, हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं, और केंद्र सरकार में तो ये है एक प्रस्ताव, वह किसानों के जितने भी भारत में कर्जा है उसको सारा माफ करे, एक प्रस्ताव ये है। और हमारे जो 200-300 आदमी और जो पकड़ रखे हैं पुलिस ने 26 जनवरी के दिन, उस दिन को रिहा किया जाए, और उन ट्रस्टरों को और जो ट्रस्टरों को पकड़ रखे हैं उनको छोड़ा जाए, और जितने पर जो मुकदमे बढ़ाए हैं वह वापस लिए जाए, और जो लाल किले पर जो घटना घटी उसका आप सबने बेरा पटकी। महापंचायत में लोगों की मौजूदगी का अनुमान आप कुछ इस तरह लगाइए कि मंच पर ठीक से खड़े होने तक की जगह नहीं है, और जैसे ही राकेश टिकैत ने संबोधन के लिए माइक संभाला तो मंच वहीं धराशाही हो गया। किसानों की महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि जब जब राजा डरता है तब तब किले बंदी करता है। दिल्ली में किले लगाई जा रही हैं, हम वो अपने खेतों में भी लगाते हैं। आप लोगों का साथ चाहिए दिल्ली अपने आप किले बंदी दिल्ली में करे। जब राजा डरता है तो किले बंदी करता है, जब जब राजा डरता है कटिले तार लोग अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि अभी हमने बिल वापसी की बात की है, अगर गद्दी वापसी की बात हुई तो क्या करोगे? टिकैत ने कहा कि अभी जींद वालों को दिल्ली कूच करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर ही रहें। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये दिल वापसी ले लो,
एमएसपी पे कानून बना लो। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, उनसे बैठ के बात कर लो। न कमेटी के सरपंच बदले जाएंगे, न कमेटी का ऑफिस बदला जाएगा, न हम युद्ध में घोड़े नहीं बदलते, उन्हीं घोड़े का लड़ाई लड़ जाएंगे। हमारी फौज मजबूत है, आपकी सपोर्ट चाहिए, आपको दिल्ली कोच करने की भी जरूरत नहीं। किसानों ने सरकार के सामने अपने प्रस्ताव भी रख दिए और राकेश टिकैत ने अपने तल्ख तेवर को भी सरकार के सामने रखा, लेकिन सवाल वही है कि आंदोलन जारी है पर सरकार से बात होगी तो कब होगी। जींद से जनता टीवी के लिए राजकुमार गोयल की रिपोर्ट। हरियाणा कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हुई, कयास लगाए जा रहे थे कि विधायक दल की बैठक में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे अहम बात यह रही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निकल कर सामने आई, वो थी किसानों की बात। लगातार किसानों की मांग को लेकर के मुखर हो रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उम्मीद ये अब जताई जाने लगी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद कि हरियाणा का जो बजट सत्र होगा उसमें सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी चीज पर होने वाला है तो वो किसानों का मसला ही रहने वाला है। देखिए इस बैठक के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा। हरियाणा में विधानसभा का बजट सत्र होने वाला है और इस सत्र से पहले कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। तभी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई। चंडीगढ़ में हुई इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन सबसे ज्यादा बात किसानों के आंदोलन को लेकर हुई। बैठक के बाद हुड्डा ने कहा कि किसान आंदोलन कर रहे हैं और उनका समर्थन कांग्रेस कर रही है, क्योंकि किसान आंदोलन के जो नेतृत्व कर रहे हैं किसान, उन्होंने ये फैसला किया है कि भाई वो कोई राजनीतिक दल को अपनी स्टेज और उस पर नहीं आना चाहते, वो तो उनका सम्मान करते हुए ये फैसला किया गया। सभी विधायकों से ने फैसला किया कि उनका समर्थन और जो भी मुमकिन हो सके उसकी मदद करें। साथ ही हुड्डा ने कहा कि किसान आंदोलन में प्रदेश के जिन किसानों की मौत हुई है उनको कांग्रेस 2-2 लाख की आर्थिक मदद दे रही है। उसी संदर्भ में जो जिनों की जान गवाई गई वहां पर शहीद हुए बॉर्डर पे, उनको विधायक दल की तरफ से 2-2 लाख रुपए भी पहुंचाए गए हैं और वो कर रहे हैं। हुड्डा ने कहा नेट बंद किया जा रहा है और किसानों के धरना स्थल पर पानी के कनेक्शन काट दिए, इसकी कांग्रेस निंदा करती है। साथ ही साथ ये भी फैसला किया कि जो आज परिस्थिति है हरियाणा में, जिस प्रकार की सरकार कार्रवाई कर रही है, आपका इंटरनेट काट दिया, जो किसान धरने बैठे हुए बिजली काट दी, कभी पानी काट दिया, शौचालयों का जो प्रबंध था वो पूरा नहीं, अब मानिए जो फैसले लिए हैं उनका विरोध किया है और सरकार से कहा जो उनको तुरंत इंटरनेट भी, बिजली भी और सुविधाएं का प्रबंध किया जाए। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। कृषि कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव भी कांग्रेस विधानसभा सत्र में लेकर आएगी और इस सरकार के खिलाफ जो है एक तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया, पहले दिन ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। हुड्डा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि कांग्रेस ने राज्यपाल से समय मांगा है, अगर गुरुवार 11 बजे तक समय नहीं मिला तो कांग्रेस राजभवन कूच करेगी। कांग्रेस विधायक कल गुरुवार को एमएलए हॉस्टल से हरियाणा राजभवन के लिए मार्च निकालेंगे। तो कल जो है अगर 11 बजे तक गवर्नर साहब का टाइम समय नहीं आया तो हम वहाँ एमएलए हॉस्टल में इकट्ठे होकर वहाँ पर मार्च करेंगे गवर्नर साहब। बैठ जाएंगे। कांग्रेस एक बार फिर राजभवन का घेराव करने निकलेगी, लेकिन उन्हें इस बार शायद ये ख्याल रखने की जरूरत होगी कि जो पिछली बार हुआ वो इस बार ना हो। चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। बुधवार के दिन राहुल गांधी खासा चर्चा में रहे। पहली चर्चा तब हुई जब राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एम शब्द का जिक्र किया कि एम अक्षर से जिन जिन लोगों का
नाम शुरू होता है उसमें आखिर तानाशाही रुख या रवैया अपने आप कैसे आ जाता है, इसको लेकर के लगातार विवाद भी शुरू हुआ। लेकिन दोपहर में कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें किसानों के मसले पर राहुल गांधी बोलते हुए नजर आए और राहुल गांधी ने यह कह दिया कि किसान वापस नहीं जाएंगे, सरकार को ही पीछे हटना पड़ेगा, 3 कृषि कानूनों को रद्द करना ही होगा। देखिए, कांग्रेस पहले दिन से किसानों के साथ होने की बात कर रही है और वक्त वक्त पर किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर हमला भी बोलती है। वहीं इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। किसान आंदोलन के मसले पर कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को जल्द समाधान निकालने की जरूरत है, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और सरकार उन पर अत्याचार कर रही है। कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का। राहुल गांधी ने आगे कहा कि किसानों की बस इतनी मांग है कि इन काले कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार उसे अनसुना कर रही है। मैंने बात तो कर सकते हैं मगर किसानों की इशू क्या है? किसानों की इशू ये है कि इन कानूनों को वापस लीजिए, और कोई इशू तो है ही नहीं। दिल्ली बॉर्डर पर नाकेबंदी को लेकर राहुल ने कहा कि सरकार किलेबंदी क्यों कर रही है, किसान भारत की शक्ति है, आज दिल्ली किसानों से घिरी है, ये समस्या देश के लिए अच्छी नहीं है, किसान पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को ही हटना पड़ेगा। किसानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा, फायदा है सबका कि आज हट जाए। राहुल गांधी ने सरकार पर किसान आंदोलन को लेकर हमला तेज कर दिया है और लगातार पूरी कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजियों को चरम पर ले जा रही है। लेकिन क्या इससे आंदोलन का हल निकलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। किसानों के मसले पर कांग्रेस लगातार मुखर है, लगातार सत्ता पक्ष पर हमला कर रही है कांग्रेस। हरियाणा कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी सरकार को 3 कृषि कानूनों के मसले को लेकर कटघरे में खड़ा किया है। वो भी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि वो किसानों के साथ है, कांग्रेस किसानों के साथ है और जब तक ये 3 कृषि कानून वापस नहीं ले लिए जाते तब तक ये आंदोलन यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। कृषि कानून वापस लेने की मांग न सिर्फ किसान कर रहे हैं बल्कि विपक्ष भी लगातार किसानों को लेकर सरकार से आग्रह कर रहा है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी सरकार से एक बार फिर आग्रह किया कि किसानों के लिए बने 3 कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, स्थिति को समझे और गतिरोध को खत्म करे। मैं सरकार से दोबारा आग्रह करना चाहता हूं, सरकार 3 बिलों को वापस लेने का काम करे, उस गतिरोध को समाप्त करे, स्थिति गंभीरता समझे सरकार। वहीं उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और दिल्ली की सीमाओं पर हुई बैरिकेटिंग और कीले लगाने के मामले पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार किसानों की आवाज को दबाने का काम कर रही है, सरकार कुछ भी कर ले लेकिन किसान की आवाज को दबा नहीं सकती। जिस प्रकार से सरकार पूरे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके किसान की आवाज को दबाने के लिए सारे कार्रवाई कर रही है, नाकेबंदियाँ की जा रही हैं, कहीं कील लगाई जा रही है, कहीं बार वायर लगाई जा रही है, कहीं बिजली पानी इन धरना स्थलों पे की व्यवस्था बाधित की जा रही है, इस प्रकार से किसान की आवाज़ नहीं दबाई जा पाएगी। अन्यथा किसान की आवाज़ की जितनी दबाने की आप कोशिश करेंगे किसान की आवाज़ और ज़्यादा मजबूत होगी। सरकार इस बात को समझे और तुरंत किसानों से बातचीत का दोबारा दरवाज़ा खोले और इसको सिरे चढ़ाए। साथ ही दीप सिद्धू पर इनाम रखने पर दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि 26 जनवरी को जो हुआ उसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन सरकार निर्दोष किसानों पर कार्रवाई ना करे। कि जो 26 जनवरी को जो उपद्रव की जो घटनाएं लाल किले की बाकी जगह की जो सामने आई थी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण थी, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी उसमें दोषी पाए जाए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में सरकार
जो निर्दोष किसान है, जो शांतिप्रिय तरीके से पिछले 2-3 महीने से घर बार छोड़कर अपने आंदोलन में शामिल हैं, उन पे कार्रवाई या उनको निशाने पे अगर सरकार लेती है तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं होगी। विपक्ष लगातार ये बात कर रहा है कि वो किसान के साथ है और लगातार विपक्ष सरकार पर हमला भी बोल रहा है, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान इन बातों से हो नहीं रहा। किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है जिसके खत्म होने का इंतजार अब पूरा देश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। एक तरफ किसानों का आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है, 70 दिन इस आंदोलन को हो चुके हैं, दूसरी तरफ सरकार की तैयारी है, या यूं कह लीजिए कि सरकार ने दिल्ली को एक किले में तब्दील कर दिया जिसके चारों तरफ जो सुरक्षा है वो काफी कड़े कर दिए गए हैं। अलग अलग लेयर्स में दिल्ली की सुरक्षा इस वक्त दिल्ली पुलिस करती हुई नजर आ रही है, लेकिन उससे इतर दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो और जारी किया है, लाल किले की यह तस्वीर जिसमें उपद्रवी किस तरीके से वहां उपद्रव मचा रहे हैं इसका बयान किया गया है। साथ ही साथ कुछ चेहरे, उनके नाम और इनाम, इसकी घोषणा भी दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। ये तस्वीरें देखिए, जब सारे जहां से प्यारा हिंदुस्तान हमारा अपने 72वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था, उसी वक्त दिल्ली की सड़कों पर हंगामा हो रहा था और दिल्ली की सरहदों से शुरू हुई हिंसा की आग आईटीओ से लेकर देश की ऐतिहासिक धरोहर लाल किले तक पहुंच गई थी। कई अराजक तत्वों ने दिल्ली पुलिस के जवानों पर हमला बोल दिया था और 26 जनवरी के दिन भारत की ताकत देखने वाले देशों ने देश की खिल्ली भी उड़ाई थी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने उन उपद्रवियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है जिनकी वजह से देश को शर्मसार होना पड़ा था। आरोपियों के खिलाफ एक्शन मोड में आई दिल्ली पुलिस ने दंगाइयों की धरपकड़ शुरू कर दी है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड दीप सिद्धू पर पकड़ने और पकड़वाने वाले को 1,00,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। वहीं लाल किले पर झंडा फहराने वाले आरोपी जुगराज सिंह पर भी 1,00,000 रुपए का इनाम रखा गया है। इनके अलावा 2 और आरोपियों पर 1,00,000 रुपए का इनाम रखा गया है। इसके साथ ही जजबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। ये सभी लाल किले में हुई हिंसा के आरोपी हैं और फरार हैं। इससे पहले पुलिस ने 12 फोटो भी जारी किए थे जिनमें लाल किले में तोड़फोड़ करने वाले नजर आ रहे हैं। इन 12 चेहरों की तलाश दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की SIT कर रही है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच की SIT को हिंसा की जांच सौंपी गई है। इस SIT की अध्यक्षता ज्वाइंट कमिश्नर BK सिंह और 3 DCP करेंगे, जिसमें DCP जॉय टिर्की, DCP भीष्म सिंह और DCP मोनिका भारद्वाज भी शामिल हैं। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस को हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस के तकरीबन 400 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और 30 पुलिस की वाहनों को नुकसान पहुंचा था। एक तरफ पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, दूसरी तरफ आरोपी दीप सिद्धू लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। दीप सिद्धू ने बुधवार को भी एक वीडियो रिलीज किया, इसमें उसने अपने खिलाफ बोलने वालों को देख लेने की धमकी दी है। साथ ही खुद के हरियाणा में होने का दावा करते हुए कहा है कि सिंघू बॉर्डर से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर बैठा हूं। कर लेन तैयारी, हुण जिहड़ा असल रूप च ही आवांगे, कोई गल नहीं, उवें ही टक्करांगे तुहानूं। यार दिन रात देता तुहानूं, तुसीं कोठियां च भाई बैठे हो, कदे रोड ते रहिंदे आ, कदे किसे दे नाल रहिंदे आ, कदे एक पिंड कदे दूजे पिंड आ, हरियाणे च बैठे आ। अद्धे घंटे च पहुंच सकदा मोर्चे च जिथे मैं बैठा। वहीं दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रवीर रंजन ने कहा कि दीप सिद्धू समेत कुछ लोगों की पहचान हो चुकी है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दीप सिद्धू को भी अरेस्ट करने के लिए पहले दिन से ही हम लोगों का प्रयास चल रहा है और इसमें हमको कोई ऐसी अभी तक कोई कोऑर्डिनेशन कोई इशू नहीं आया है। और बस ये है कि अभी तक हम लोगों को सफलता हाथ नहीं लगी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम उसको भी पकड़ने में सफल हो पाएंगे। हमारी इन्वेस्टिगेशन, जैसा मैंने फिर कहा आपको, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से की जा रही है। जितने भी वायलेशंस हुए हैं उन सब का हम लोगों ने संज्ञान लिया है। जो लोग उसमें पाए जाएंगे उनके खिलाफ हम लोग एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं और हमारे एविडेंस के बेसिस पर ही आगे इन सबों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो नेता हों या उनके फॉलोअर्स हों। और जितनी भी तरह की वायलेशंस हैं उन सभी वायलेशंस को क्राइम ब्रांच काफी डिटेल में, काफी निष्पक्ष तरीके से उसको एग्जामिन करके उस पर कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को हुए हिंसा के दंगाइयों की धरपकड़ शुरू कर दी है, जिसके लिए फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली जा रही है।
बताया जा रहा है कि पुलिस के पास हिंसा से जुड़े कई वीडियोस हैं, जिन्हें फॉरेंसिक टीम साफ कर रही है। ऐसे में किसान हिंसा से जुड़े कई और दंगाइयों के चेहरे सामने आ सकते हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। अब बात करते हैं एम फैक्टर की। जी हां, राहुल गांधी की तरफ से एम अक्षर का जिक्र कि एम अक्षर से जिन जिन लोगों के नाम शुरू होते हैं उनमें तानाशाही रवैया आ जाता है, वो हिटलर की तरफ बिहेव करने लग जाते हैं। हालांकि म्यांमार का जिक्र करते हुए वो हिंदुस्तान तक भी पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने एम अक्षर का जिक्र किया इसके बाद अलग अलग लोगों के नाम जोड़ने लग गए। भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार इस पर किया और ये पूछा कि क्या एम से खास तौर पर जब मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी के पूरे नाम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सामने आई, हरियाणा के गृह मंत्री सामने आए और उन्होंने कहा कि क्या एम अक्षर से जिनका जिनका नाम शुरू होता है उनमें गांधी जी का भी नाम है, क्या राहुल गांधी का तात्पर्य गांधी जी से है। ये ऐसे मसले उठकर सामने आने लगे जिसको लेकर के कांग्रेस घिरती हुई नजर आई। देखिए,